नाम समर्पित करें। विशाखापट्टनम मत्स्य हार्बर के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे मछुआरों का आर्थिक सबलीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सीडी के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीन फील्ड में 6 लेनीकरण, जिससे सुगम यातायात सहित क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा। राष्ट्रीय राजमार्ग 516 सी के कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक का 6 लेनीकरण एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 4 लेन समर्पित पोर्ट रोड के कार्य का शिलान्यास हो रहा है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। गेल की 745 किलोमीटर श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा को स्वच्छ तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 326 ए के नरसन्नपेटा से पाथापट्टनम खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित का पुनर्वास और उन्नयन, श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों के और अधिक व्यापार एवं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।